नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में रेडमी कंपनी लगातार अपने नए नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि रेडमी कंपनी ने अब हाल ही में अपनी 10 सीरीज को लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको रेडमी नोट 10 सीरीज के कई स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब रेडमी नोट 10 सीरीज का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन रेडमी नोट 10 अल्ट्रा लेकर आ रही है, जो कि दोस्तों कंपनी का पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है और इसके अंदर आपको कंपनी बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड कराएगी। तो दोस्तों, स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस तो पहले ही लीक हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों अब की बार स्मार्टफोन की लीक्स फोटो भी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन से अलग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसके प्राइस और इसकी लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी Xiaomi कंपनी के फैन हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के बारे में, तो दोस्तों स्मार्टफोन की लीक्स फोटो के मुताबिक स्मार्टफोन का बैक पैनल MI 11 स्पेशल एडिशन की तरह ही देखने को मिलेगा, और इसके फ्रंट पैनल के ऊपर आपको दोस्तों पंच होल कटआउट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर इसके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.53 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है, जो की 1024 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा, और इसकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए काफी हद तक बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको दोस्तों फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले भी मिलेगी, और दोस्तों अब की बार स्मार्टफोन अंदर आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको डिस्प्ले बढ़िया देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, अगर इसके कैमरा सेटअप के बारे में बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक पैनल पर भी आपको शायद कंपनी 108 MP, 8 MP और 5 MP का रियर कैमरा और 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दे सकती है। बाकी दोस्तों, इसके कैमरा के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों जो भी हो, स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी कैमरा सेंसर बहुत ही जबरदस्त प्रोवाइड कराने वाली है, इसमें कोई दुराय नहीं है। इसके अंदर आपको कंपनी बढ़िया और अच्छे कैमरा सेंसर देने वाली है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के वेरिएंट के बारे में, तो दोस्तों कंपनी की लीक्स डिटेल के मुताबिक स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ उतारने वाली है, जिसके साथ आपको 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी 2 वेरियंट में उतारने वाली। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों स्मार्टफोन का सबसे खास फीचर स्मार्टफोन का प्रोसेसर ही है, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी अब की बार MediaTek Dimensity 1100 का चिपसेट देने वाली है, और ये मोबाइल Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Mali G77 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी प्रोसेसर बढ़िया देने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको MediaTek का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको बढ़िया परफॉर्मेंस भी देने वाला है, और इसके अंदर आपको दोस्तों 5G कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको कंपनी 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की पावरफुल बैटरी देने वाली है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी बैटरी भी बढ़िया देने वाली है, और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर भी 33 वाट का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी बढ़िया फीचर्स देने वाली है, और दोस्तों इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी काफी बढ़िया है। बाकी दोस्तों, इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट और इसके प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी आने वाली 26 मई को चाइनीज मार्केट में उतारेगी, उसके बाद यह स्मार्टफोन शायद आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों इंडियन मार्केट के हिसाब से स्मार्टफोन का शुरुआती वेरियंट आपको लगभग 20 से 22 हजार रुपए के बीच में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।